हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्पे की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और ये बच्चों से लेके बड़ों तक को बहुत ही पसंद आता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो लाइक कर देना और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जिसके लिए लिया है मैंने एक कटोरी सूजी और आधा कटोरी दही, और सूजी और दही को मैं अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी। और जब ये इसको सूजी और दही को मिक्स करके, इसमें देखो ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से भिगो के रख दूंगी। और इसके उसको मैं 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। तब तक मैंने कर लिए सारी सब्जियाँ चॉप, और आप इसमें कोई भी वेजेज ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ, मेरी मम्मी नहीं खाती है लहसुन प्याज, तो मैंने वो अवॉइड किया है। इसके लिए मैंने कच्चा आलू थोड़ा कद्दूकस कर लिया है, और हरी मिर्ची, टमाटर और हरा धनिया ऐड कर दिया है। आप इसमें कोई भी वेजेज ऐड कर सकती है। साथ में मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और इसको मिक्स कर दिया। अगर आपका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसको पानी डाल के थोड़ा पतला कर सकते हैं, और अगर ठीक है तो कोई बात नहीं है। और अब इसमें मैंने डाला आधा चम्मच इनो, और इनो को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैंने रख दिया अप्पा मेकर गैस पे, और अब इसको मैं सब मोड्स में थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड कर दूँगी। और सब मोड्स में ऑयल ऐड करने के बाद में, जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इनमें सब में राई दाना डाल दूँगी। आप अगर चाहो तो अलग से भी इसमें छोंक लगा सकते हो, बट ऐसे वाला छोंकना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे दिखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और अब सारे मोड्स में मैं जो सूजी का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वेजीज वाला, वो सारे मोड्स में मैं ऐड कर दूँगी। इसमें ना एक एक चम्मच से ज़्यादा नहीं आएगा, तो इतना ही पेस्ट इसमें आएगा। तो ये सारा पेस्ट मैंने ऐड करने के बाद में मैंने इसको ढक के रख दिया है 2 से 3 सेकंड के लिए। और 2 से 3 सेकंड बाद देखिए हमारा अप्पा एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया, और मैं इन सबको एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने के बाद में पलट दूँगी, और दूसरे साइड से भी मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊँगी। तो आप सब देख रहे हैं कैसे गोल्डन ब्राउन हो गया, कितना सुंदर भी दिख रहा है। तो सारे मैं अप्पे ऐसे ही बना लूँगी, और सीरियसली फ्रेंड्स ये ना बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको हरी चटनी, लाल चटनी, टमाटर सॉस और नारियल की चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सीरियसली बहुत ज़्यादा खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।